बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम सब खैरियत से हैं, आई होप आप भी खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे मिल्क शेक, मैंगो मिल्क शेक, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है। इसके लिए मैंने आधा किलो दूध लिया है और आधा एक मैंगो लिया है, तकरीबन वो भी आधा किलो का है। तो बनाएंगे मिल्क शेक, बना के आपको दिखाएंगे। आज हम बनाएंगे मिल्क शेक, मैंगो मिल्क शेक। अब मैं सबसे पहले इसका छिलका उतार लूंगी। और इसको छोटे छोटे क्यूब्स में काट लूंगी। अब मैं मैंगो को छोटी छोटी क्यूब्स में काट लूंगी। सबसे पहले मैं गिलास के ऊपर लगाने के लिए थोड़े से पीस बारीक बारीक काट लूंगी इस तरह से। ये इस तरह से मैं बारीक बारीक पीस काट लूंगी। पीस मैंने क्यूब्स की शक्ल में काट लिए हैं ग्लास में लगाने के लिए। इनको मैं ब्लॉक करके रख लूंगी। मैंगो मैंने काट ली हैं। इधर स्पेन के मैंगो बहुत मज़ेदार होते हैं, इनमें से ये गुठली भी बिल्कुल छोटी सी निकलती है, ये बहुत ही मज़े के होते हैं। अब मैं आपको शेक बना के बताती हूँ। दो चार चम्मच चीनी शामिल कर दूंगी इसमें। जग में मैंगो में शामिल कर डालूंगी। इसमें मैं दूध शामिल कर दूंगी। पहले थोड़ा सा दूध डाल के इसको अच्छी तरह ग्राइंड करके फिर ऊपर से और डालूंगी। अब इसमें मैं चार चम्मच चीनी शामिल करूंगी। अब इसमें मैं और दूध शामिल कर दूंगी। अब मैं ग्लास के अंदर मैंगो शामिल कर दूंगी इस तरीके से।
मिल्क शेक गर्मियों में लोग बहुत ही पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा बनाते हैं और ये मज़ेदार भी बहुत होता है, सेहत के लिए भी अच्छा होता है। अब आपको मैं गिलास में डाल के दिखाऊंगी कि किस तरह का हमारा मिल्क शेक तैयार हुआ है। जूस तैयार है, आप भी इस तरह घर में बनाकर मिल्क शेक अच्छा सा तैयार करके पी सकते हैं। बाजार वाले तो साफ सुथरे बर्तन भी नहीं होते, घर तो साफ सुथरे बर्तनों में चीज तैयार करते हैं। अगर आपको मेरे मैंगो मिल्क शेक की रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अच्छे अच्छे कमेंट करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मैं नेक्स्ट दिन आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेके आऊँ। दुआओं में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।